आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बोला जाता है कि भाई अब देखो कोई साधारण कोई राशि है, वो साधारण ब्याज की दर, तो साधारण ब्याज है, कौन सा ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, इस पर देने पर वो राशि 5 साल में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। मतलब 5 साल में वो राशि कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। तो हमें बोला जाता है कि भाई वो राशि कितने सालों के अंदर क्या हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। ऐसे प्रश्न हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत आराम से, बहुत इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो अब देखो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ताकि आप इनको बहुत आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले तो ये एज्यूम कर लो कि भाई ये राशि कितनी है। हमने मान लो, सपोज करो कि हमने कितने रुपये लिए, 100 रुपये लिए, ठीक है। अब 100 रुपये लेने पर समय कितना लगाया इस राशि ने, 5 साल, 5 साल समय लगाया और राशि कितनी हो गई है, 300 रुपये हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम ये 300 रुपये देने जाएंगे किसी भी व्यक्ति को, अगर हम ये 300 रुपये देने जाएंगे जिससे हमने पैसा उधार लिया था, उसको हम जो 300 रुपये देने जाएंगे, तो इसमें क्या क्या होगा। इसमें एक तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो हमने लिया था, मूलधन कितना लिया था, और एक इसके अंदर हमारा ब्याज होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो मतलब जब भी हम ये 300 रुपये देने जाएंगे तो इसके अंदर एक तो हम उसका मूलधन देंगे प्लस दूसरा उसका ब्याज चुकाएंगे कि उसका ब्याज कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई हम 300 रुपये देने गए उसको, तो हमने मूलधन कितना चुकाया, 100 रुपये, ब्याज पता नहीं कितना था। तो अब एक काम करते, पहले पता तो कर ले भाई ब्याज कितना था इसका, था हमने उसको कितना ब्याज चुकाया, 200 रुपये चुकाया। अब ये 200 रुपये ब्याज कितने सालों में हो गया हमारा, 5 साल के अंदर 200 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। लेकिन अभी 5 साल के अंदर हमारा ब्याज हो गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई इसका रेट क्या था, इसका इंटरेस्ट का रेट क्या था, मतलब इसकी ब्याज की दर क्या थी। तो चलो अभी एक बार दर निकाल लेते हैं इसकी, तो हमें पता चल जाएगा भाई इसका दर कितना है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया, देखो SI का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, फिर उसका रेट कितना है, फिर उसका टाइम कितना है और 100, ठीक है। तो देखो SI मतलब हमने ब्याज कितना दिया उसको, 200 रुपये का, हमारा मूलधन कितना था, 100 रुपये जो हमने उधार लिया था, रेट हमारा कितना निकल के आया पता नहीं, यही हमें निकाल लेते हैं अभी, रेट कितना है, टाइम कितना था, 5 साल का। तो अभी इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास में, 200/5 इक्वल टू आर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 40। इसका था हमारे पास में क्या हो गया, उसका जो रेट क्या है हमारे पास में, इसका था 40% के रेट से हमने उसको पैसा दिया है। इसका तब जो हमने जो पैसा लिया है 100 रुपये, और ये 5 साल के अंदर 300 रुपये हो गया, तो इसका जो रेट है वो कितना है हमारे पास में, 40% का इसका रेट है, हम इस पैसे को 40% पर देखे हैं। तो अब देखो वही चीज़ इसी क्वेश्चन का कंटिन्यू करता है। अब वो कहता है कि भाई कितने सालों के अंदर ये राशि क्या हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम लेके कितने आए थे, 100 रुपये, अब ये राशि कितनी हो जानी चाहिए, 500 रुपये हो जानी चाहिए। लेकिन अब हमें ये निकालना है कि भाई इसका इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा। रेट तो देखो वो का वही रहेगा, रेट कितना है, वही 40% का रेट, ये तो रेट तो इतना कितना रहेगा। लेकिन अभी हमें पता करना है कि इस प्रोसेस में समय कितना लगने वाला है। तो देखो सीधी सीधी बात, इसको इसमें से माइनस करो, कितना बचा, 400। इसका था हम ब्याज कितना देने वाले हैं, 400 रुपये हम ब्याज देने वाले हैं। हम पैसा कितना लाए थे, 100 रुपये, ठीक है। रेट क्या था हमारा, 40% का। टाइम अभी निकाल लेते हैं फटाफट, ये कितना हुआ, 100 रुपये, तो ये 100 से 100 कैंसिल, टी इक्वल टू कितना गया, 400/40, कट करो, 1 0 से 1 0 कट, इसको कट किया तो कितना आ गया, 10। इसका मतलब इसको कितना साल लगेगा, 10 साल इसको लग जाएगा, कितना, 5 गुना होने में इसको 10 साल लग जाएगा, ठीक है। मतलब 5 गुना इस पैसे को होने में कितना समय लग जाएगा, 10 साल, 10 साल लग जाएगा। तो देखिए है बहुत आसान, आप
बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि अमाउंट चूज़ कर लो कि भाई 100 रुपये पे कैलकुलेशन कर लो कि 100 रुपये के ऊपर कैलकुलेशन कितनी है। तो देखो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो, देखो सबसे पहले तो ये निकाल लो कि भाई हमारे को जो रेट लगा है वो रेट कितना है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, नंबर 1, तो आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। फिर क्या करें, दूसरे उसमें रख के फिर हम इसका टाइम का कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकते हैं, है बहुत आसान। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इसी तरीके से। तो देखो अभी हम इसको केवल ट्रिक से करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रिक से करेंगे। तो देखो सिंपल सिंपल हमने एज्यूम किया कि भाई राशि कितनी थी, 100 रुपये, कितना टाइम लगा, 10 साल लगा, कितनी हो गई, 300 रुपये हो गई। ठीक है, जब 300 रुपये हो गई तो हमने ब्याज कितना दिया इसका, 200 रुपये दिया। तो अब 200 रुपये जब ब्याज दिया तो पहले इसका रेट निकाल लो कितना था, ये 100 रेट टाइम, टाइम कितना है हमारे पास में 10 साल का, अपॉन 100, ये 100 100 कैंसिल, तो रेट कितना आ गया हमारे पास में इसका 20%। इसका तो इस राशि का इसका ब्याज का रेट कितना है, 20% का। अब ये कहता है कितने सालों के अंदर ये राशि कितनी हो जाएगी, 5 गुनी। इसका मतलब कितने लाए थे, 100 रुपये, कितना हो जाना चाहिए, 500 रुपये। क्या निकालना है, टी निकालना है, कितना समय लगेगा, रेट कितना हमारे पास में कितना आ गया, 20% का रेट आ गया। ठीक है, तब हम ब्याज कितना देने वाले हैं इसके अंदर, इस 500 में से इस 100 को माइनस करो कितना बचेगा, 400 रुपये। इसका हमें कितना ब्याज लगने वाला है, 400 रुपये। तो 400 का रखो इक्वल टू हमारा मूलधन कितना, 100 रुपये, रेट कितना 20% का, टाइम कितना है अभी निकाल लेते हैं फटाफट, अपॉन 100, ये 100 से 100 कैंसिल, टी इक्वल टू कितना गया, 400 अपॉन 20, ये कट गया तो कितना बचा, ये 20। इसका मतलब कितना आ गया, 20 ईयर्स। ठीक है, तो कितना समय लगने वाला है, 20 साल। तो अब आप देखो 100 रुपये को 300 रुपये होने में कितना समय लगा, 10 साल। ठीक है, इस परसेंट के रेट से, लेकिन अब 100 रुपये को 500 रुपये होने में कितना समय लगा, 20 साल का समय लगा, 20 साल का समय लगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अब देखिए कितना आसान है ना, और तुरंत बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत आराम से सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चंस आपकी कंपटीशन के जो किताबें हैं उनमें भी दे रखे हैं, आप उनमें ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है, चलिए फिर आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी, फिर नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।